हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस चैप्टर में आज जो हमें डिस्कस करना है वो सप्लाई कर्व के से डिस्कस करना है। इससे पहले की वीडियो आपको मिल गई होगी जिसमें इस चैप्टर 9 के कुछ टॉपिक थे, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व जो रेफर करता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रेफर करता है, वो भी किसके, सप्लाई शेड्यूल के। तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो भी टू टाइप का होता है, क्योंकि हमने सप्लाई में जितना भी कुछ अभी तक पढ़ा है वो टू टाइप्स में ही पढ़ा है। फर्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और सेकेंड इज मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब आप सभी जानते हैं कि इंडिविजुअली जो पर्सन खुद से कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आपने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था, उसकी वीडियो भी मैंने आपको दी थी। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, एक टेबल बनाई थी, क्योंकि वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था, टेबुलर स्टेटमेंट था। प्राइस और क्वांटिटी की बनाई थी ना, कि 1 2 हम, अगर हमारे प्राइस इतने हैं तो हमारी क्वांटिटी इतनी होगी। तो उसी के बेसिस पर सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वो चीज़ हमें अब किस में दिखानी है, ग्राफ में दिखानी है। देखो आपको शो हो रहा होगा कि हमारा ओ एक्सिस वाई हमने ले लिया, ओ एक्सिस वाई हो गया हमारा, नीचे हमने क्वांटिटी सप्लाई ले ली 5, 10, 15, 20, 25। हमने इनको नाम दे दिया ए बी सी डी ई। यहाँ पर हमने प्राइस दे दिए 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर होगी इतनी बात। अब 1 प्राइस पर हमारी जो इंडिविजुअल सप्लाई है वो 5 है, 2 पर 10 है, 3 पर 15 है, 4 पर 20 है और 5 पर 25 है। यानी कि हम इंडिविजुअली एक एक प्राइस के साथ में एक एक क्वांटिटी को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था। होप सो क्लियर हो गया होगा इतना आपको। नेक्स्ट आते हैं मार्केट सप्लाई कर्व पर। मार्केट सप्लाई कर्व रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट सप्लाई कर्व भी क्या रेफर करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रेफर करता है जो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हमने वही पढ़ा था कि फिर से हमने वहाँ पर एक टेबल बनाई थी जिसमें हमारा प्राइस था और इंडिविजुअल था, जिसमें हम ए प्लस बी को ऐड कर रहे थे तब हमारी मार्केट सप्लाई निकल के आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें किस में रिप्रेजेंट करनी है, ग्राफिकल में करनी है, ग्राफ के थ्रू करनी है। बहुत इजी है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया था, वही ओ एक्सिस वाई ले लेंगे हम, इसमें भी 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ पर हमारे प्राइस आ गए। अब हमें देखना है कि हमारी जो सप्लाई ए थी वो सप्लाई ए हमारी कैसे कैसे जा रही है। सप्लाई ए हमारी पहले 5 पर थी, ठीक है। उसके बाद ये धीरे 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 बढ़ती चली गई, जैसे फिर 10 पर हो गई, है ना। प्राइस तो यही रहा हमारा 10 के साथ में, ये हमारी यहाँ से चेंज होती चली गई। उसके बाद में जो हमारी सप्लाई बी थी वो थोड़ा सा ऊपर से चेंज होना शुरू हो गया। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड करके हमने नई सप्लाई कर्व बनाया है तो वो हमारा कौन सा होगा, मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिविजुअली एस ए और एस बी को कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एस एम हो जाएगा, एस एम इज़ फ्लैटर देन, यानी कि हमारा यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो मार्केट सप्लाई कर्व है, वो ए और बी का फ्लैटर देन है। तो ये आप ग्राफ जो है अपनी बुक में भी देखोगे एक बार अच्छे से और वहाँ से भी इसको समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पर हमारा एक मूवमेंट दिया जा रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज की जा सकती है। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी, जब एक क्वांटिटी सप्लाई एक कॉमोडिटी में चेंज की जाती है ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, यानी कि उसके प्राइस में चेंज किया जाता है कीपिंग अदर फैक्टर्स, एक अदर फैक्टर्स के थ्रू, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बारे में लिखना है तो आप ये ही लिखोगे कि जब क्वांटिटी सप्लाई एक कॉमोडिटी के थ्रू चेंज की जाती है, वो भी उसके ऑन प्राइस पर और कीपिंग अदर फैक्टर्स के साथ में, तो वो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, फिर से यहाँ पर वही आ गया, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी और क्वांटिटी वन, ठीक है, 1, 2 और क्वांटिटी आ गया। यहाँ पर हमारे प्राइस आ गए P1, P और P2। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा चेंज कैसे किया जा रहा है, ये हमारा प्राइस हो गया P1,
पी वन हो गया हमारा और पी टू हो गया। देखो यहाँ पर एक्सपेंशन इन सप्लाई शोन बाय अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, अपवर्ड किया जा रहा है ए और बी में, क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस हो रही है ओ क्यू और ओ क्यू वन से ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम ओ पी और ओ पी वन, ठीक है ओ पी और ओ पी वन में। उसके बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई हो रहा है शो बाय डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ए टू सी, और क्वांटिटी सप्लाई फॉल्स हो रहा है फ्रॉम ओ क्यू और ओ क्यू ड्यू टू फॉल इन प्राइस और टू ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हमारा कुछ मूवमेंट चेंज किया गया है सप्लाई कर्व और प्राइस क्वांटिटी में, ठीक है एक सेकेंड बच्चों, ये आपका कर्व, हाँ नहीं सही है, ये आपका कर्व कि मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का ही है। इसमें थोड़ा चेंजेस मुझे लग रहा था कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं, लेकिन ये आपका कर्व सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि हमारा ग्राफिकली एक्सप्रेस करा है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व को। यहाँ पर हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिया गया है कि अपवर्ड मूवमेंट हमारा और एक्सपेंशन इन सप्लाई जो हमारा कर्व हो रहा है वो चेंजेस किस किस तरह से मूवमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने ए सी बताया था अभी, यहाँ पर ओ टू क्यू बताया था, ये आप अगर खुद से बनाकर देखोगे ना, अपनी एक नोटबुक लेना और उस नोटबुक पर इसको बनाकर देखना, तब आपका ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है बच्चों। जब भी आप क्लास में आओगे तब मैं क्लास में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर टू डिग्री ऑफ ए रिस्पॉन्सिव ऑफ सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस कॉमोडिटी। हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो प्राइस इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है कि आपूर्ति की लोच मूल्य में वस्तु परिवर्तन के संदर्भ में आपूर्ति की कीमत, जितनी भी हमारी सप्लाई रेफर होती है सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस कॉमोडिटी, कि भाई जितनी भी हमने सप्लाई करी है उसकी प्राइस, उसमें जो इलास्टिसिटी है उसके कीमत में उसके प्राइस में चेंजेस करना ही हमारा क्या कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर कर रही है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी। रिस्पॉन्सिव करती है कि किसी प्राइस में जो चेंजेस किया जाता है, किसी कॉमोडिटी में जो चेंजेस किया जाता है वो उसकी वस्तु की कीमत और वस्तु के प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्राइस और कॉमोडिटी के बीच की एक फीडबैक, एक प्रतिक्रिया होती है। परसेंटेज मेथड फॉर मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा इलास्टिसिटी जो मेजर करता है एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यहाँ पर जो हमें किया जाता है इस मेथड के अनुसार हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी को जो मेज़र करते हैं वो प्राइस में चेंजेस के लिए किया जाता है और उसको हम परसेंटेज के रूप में भी जानते हैं कि सप्लाई को हमें क्या करना है वो परसेंटेज के रूप में भी हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इन द क्वांटिटी, ठीक है इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आते हैं हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सब फॉर्मूले आपके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के ही हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला मैंने बताया था, जहाँ भी चेंज आ जाए वहाँ हम डेल्टा का यूज़ करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सेकेंड है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी क्यू वन माइनस इनिशियल यानी कि क्यू। परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी इज इक्वल टू न्यू प्राइस पी वन माइनस इनिशियल प्राइस यानी कि पी। ये सब इसके प्रोपोनेंट हैं कि जितना भी हमारा कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड, हम इनमें भी चेंज कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, और इलास्टिसिटी ऑफ इसका क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यानी कि जहाँ पर हमारा प्रोपोनेंट मेथड यूज़ किया जाएगा। अब हमने इसको बनाकर हमने क्या निकाला है, लास्ट मेथड जो हमारा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू पी अपॉन क्यू, ठीक है ये हमारा प्रोपोनेट निकला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो बच्चों ये वीडियो आप ध्यान से सुनना, सप्लाई कर्व आपका कंप्लीट हो चुका है सप्लाई का चैप्टर। होप सो आपकी सप्लाई समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।